ये नई बस्ती बेनीगंज लगती है, ये कॉलोनी है, ये पूरा एरिया है। और ना तो यहाँ रोड बनी, ना ये सफाई होती है, आज तक नहीं हुई है। और ये पूरे मोहल्ले के लोग जितने हैं सब परेशान है इसी बदबू से। तो आप ठीक है, लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते इसमें, ना प्रशासन दे रहा ना कोई। डेंगू की वजह से हमारे बच्चे एक बीमार हैं। और देखिए वो पानी चू रहा, उधर घर के सामने पानी भरा रहता है, इतनी गंदगी है यहाँ। और जब देखिए इतनी गंदगी है, इतनी बदबू है, कैसे रहते हैं यहाँ के लोग? ये देखा आप लोगों ने, कभी सोचा कि कितनी परेशानी इन लोगों को, सबों को होती है ये बदबू में, गंदगी में? पूरा मोहल्ला परेशान है, कुछ भी नहीं हुआ, बराबर पेपर निकलता, आज भी निकला है कि छिड़काव हो रहा है, ये हो रहा, क्या हो रहा भाई? बेनीगंज नई बस्ती लगता है ये, प्रयागराज में करेली थाना पड़ता है, जो है 60 फीट रोड से बहुत पास में ही है जमीन। और मेन समस्या यहाँ पे इस गंदगी का ही है, बहुत ज़्यादा गंदगी है, इसी वजह से जो है घर में काफ़ी सारे मच्छर लगते हैं। और यहाँ के भी लोग, बाहरी लोग भी यहाँ पे लाके कूड़ा उड़ा फेंकते हैं, गोबर फेंकते हैं, पानी की समस्या, पानी चली जाती तो भी काफ़ी दिक्कत होता है। और दूसरा क्या है कि ये खंभा, देखिए खंभा, घर घर से हम लोग के रास्ते में कोई खंभा इधर नहीं लगा, यहाँ से हम लोग को तार लेके जाना पड़ता है इतने दूर के लिए, वो भी कभी कभी खराब हो जाए तो अच्छा खासा खर्चा लग जाता है, वो भी दिक्कत है। और कूड़ा फेंकते हैं, कूड़ा फेंकते हैं, और फिर जो जानवर, खुले जानवर, कुत्ते हो गए, सुअर हो गए, ये सब जो है कूड़ा जो है पूरा रोड पर फैला देते हैं, और साफ साफ सफाई वाले भी कोई नहीं आते। कल पहली बार जो है वो आए थे, पार्षद जी आए थे कल पहली बार, और सिर्फ धुएं उसका छिड़काव किए थे, धुएं का छिड़काव कितने हल्का फुल्का ये सब किया, बाकी सब और कुछ नहीं है। यहाँ साफ सफाई कुछ होती नहीं है, यहाँ की रोड जो है आज 20 साल से ऐसा ही कैसे ही पड़ी हुई है, न खम्बे खम्बा है, न यहाँ पानी की, सब पानी की भी समस्या है। अक्सर यहाँ जो है कुछ पानी चला जाता है, लाइट तो आती रहती है, ये खम्बे नहीं खड़े जिससे कनेक्शन आदमी कैसे ले। अब डेंगू के लिए आप देखिए, यहाँ कूड़ा कबाड़, यहाँ गोबर वोबर सब फेंक करके चले जाते हैं। अब इसकी साफ सफाई ना, इससे गंदगी पर यहाँ सब स्कूली लड़के भी रहते हैं, मन बार डेंगू अगर फैला तो कितने बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। तो यहाँ अगल बगल के कहाँ साफ सफाई होती है, देखिए ना पूरा पड़ा हुआ है कचड़े के तरीके। बेनीगंज नई बस्ती लगता है, वार्ड नंबर 80, वार्ड नंबर 80 है। और यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी समस्या तो यही है जो कि आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पर जो है गोबर बाहरी लोग भी ला के फेंक जाते हैं, यहाँ पर गंदगी भी ला कर लोग फेंक जाते हैं, जिससे कि सुअर जो है प्राय दिन जो है घूमती रहती है, और मोहल्ले के अंदर जो है सब कूड़े करकट जो है इकट्ठा हो जाते हैं, और ज़्यादा साफ सफाई जो है यहाँ पर नहीं हो पाती है। बिजली की समस्या है, खंभे यहाँ पर, यहाँ से लेकर के वो कॉलोनी तक खंभे नहीं गड़े हैं, जिससे कि अंधेरा रहता है, आए दिन यहाँ पर जोड़ी नशेड़ी आकर के बैठते हैं पेड़ के पास जहाँ बालू है, और चोरी की भी संभावना बनी रहती है यहाँ पे। पहली बार जो है कल फॉगिंग किया गया, पार्षद आए थे, फॉगिंग किया गया कि छिड़काव कराया गया था, वही जो है साइकिल पर लेकर के वो आया था, वो छिड़काव मतलब फॉगिंग किया उसने, और उसके बाद जो है पाउडर वगैरह छिटवा करके गए। आश्वासन उन्होंने दिया है कि मतलब हम इसको कूड़ा को हटवा देंगे।